हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसीडीबी डीसीडीबी, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये एक चीज़ क्या है, ज़्यादातर जो है ये है क्या, कहाँ काम आता है, इसकी आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आपको ज़्यादा नॉलेज इसके मतलब अंदर घुस कर नहीं दूंगा, मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताऊँगा जो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल भाषा में हम अगर जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, समझ में नहीं आएगा, बहुत से लोगों को नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल रफली एक आपको आइडिया देता हूँ कि एसीडीबी और डीसीडीबी है क्या। जो एसीडीबी डीसीडीबी है ये ज़्यादातर जो है ऑन ग्रिड सिस्टम में काम आता है। ऑन ग्रिड सिस्टम वही है जिसमें बैटरी सिस्टम नहीं होता और ग्रिड को हम जो है पावर सप्लाई आसानी से देते हैं, जिसमें हमारे पैनल्स जो हैं वो छतों पर लग जाते हैं और उसी में हम जो है डीसीडीबी और एसीडीबी इंस्टॉल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों है क्या और क्या काम इसका आता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि एसीडीबी और डीसीडीबी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोलर सिस्टम के। ये बेसिकली जो है शॉर्ट सर्किट जो होता है, जैसे मान लो किसी भी सर्किट चीज़ में शॉर्ट सर्किट हो रहा है या जैसे कि हम जो है लोड फेलियर है, तो ये उस चीज़ में काम आते हैं। एसीडीबी और डीसीडीबी जो है वो सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के बीच में इंस्टॉल किए जाते हैं और एसीडीबी जो है वो सोलर इन्वर्टर के बाद इंस्टॉल किया जाता है, बट लोड कनेक्ट करने से पहले जो है इंस्टॉल किया जाता है। और ये दोनों जो है सेफ्टी सर्किट बॉक्स हैं जो कि अप्लाइंसेस में या काम आते हैं, और इन दोनों को जो है हम जैसे डीसीडीबी जो है वो सोलर पैनल्स लगने पर ही लगाया जाता है और एसीडीबी जो है वो हमारे जब मेन जो इन्वर्टर होता है उसके बाद लगाया जाता है। एसीडीबी है क्या? एसीडीबी जो है जो एक एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो कि एसी पावर को रिसीव करता है सोलर पैनल से और उसको जो है डायरेक्ट करता है एसी लोड एलटी पैनल पे। यह जो है एसीडीबी जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एसपीवी सिस्टम का, सोलर पावर सिस्टम का, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है सिस्टम को लोड फेलियर से। अगर मान लो ज़्यादा लोड आ जाता है या मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये उस चीज़ में जो है ये मदद करता है। आगे देखते हैं कि इन केस ऑफ हाउ डज एसीडीबी ये काम कैसे करता है। एसीडीबी जो है ये एसी पावर को रिसीव करता है सोलर इन्वर्टर्स और डायरेक्ट करता है एसी लोड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा। एसीडीबी जो है इसमें जो है एसपीडी लगा होता है। एसपीडी है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एंड एमसीसीबी टू प्रोटेक्ट द सोलर इन्वर्टर फॉर एनी टाइप ऑफ डैमेज, यानी किसी भी तरह की हैवी वोल्टेज शॉर्ट सर्किट या फिर किसी भी प्रकार का डैमेज जो है ये उससे जो है प्रोटेक्ट करता है। ये एक एमसीबी की तरह काम करता है। हम रफली लें तो एमसीबी जो होता है, जैसे मान लो किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, डैमेज आता है तो वो ट्रिप हो जाता है, ये उसी तरीके से एसपीडी भी यही चीज़ होती है जिसमें जो है डिवाइस होता है वो ट्रिप हो जाता है, जिससे कि हमारे जो है सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रफली आइडिया ये है। और डीसीडीबी क्या है? डीसीडीबी जो है एक सोलर डीसीडीबी सिस्टम विच कंट्रोल, ये जो है कि डीसी पावर को कंट्रोल करता है जो कि सोलर पैनल से आती है। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है सोलर पैनल की साइड से तो ये उसे जो है प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से। द सिस्टम प्रीमियरली प्रोटेक्ट सोलर पैनल स्ट्रिंग ऑफ द सोलर इन्वर्टर, जो स्ट्रिंग लगी होती है सोलर पैनल की। स्ट्रिंग का मतलब है जैसे मान लो पैनल जैसे 18 किलोवाट 20 किलोवाट लगा हुआ है तो एक स्ट्रिंग बनती है, चार चार आठ आठ नौ नौ पैनल्स की स्ट्रिंग बनती है और वो स्ट्रिंग जो है इन्वर्टर में जाती है। तो अगर मान लो स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये डीसीडीबी जो है उसे हमें प्रोटेक्ट करेगा किसी भी प्रकार के डैमेज से या सोलर से जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। सोलर से अगर कोई चीज़ आ रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे अर्थिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उस चीज़ में डीसीडीबी हमारे लिए बहुत काम करता है। ये सेम एज इट इज एसीडीबी की तरह ही है, बस ये सोलर के लिए है, वो इन्वर्टर के लिए है जो कि हमारे घर में जो ग्रिड टाई लगेगा उसके लिए। डीसीडीबी सोलर में लगेगा, ठीक है। डीसीडीबी कैसे काम करता है? डीसीडीबी बॉक्स इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड सब्सिडरी सर्किट के साथ लगा होता है। ये जो है प्रोटेक्टिव फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, जो कि ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। डीसीडीबी कंट्रोल द डीसी पावर, जो कि सोलर पैनल से जो डीसी पावर आ रही है ये उसमें हमें मदद करता है। सेम एज इट इज़ जो एसपीडी लगा होता है, इसमें भी एसपीडी है और ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। अपन एक रफ आइडिया लें, जैसे फ्यूज़ होता है तो ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। जैसे मान लो अगर हैवी वोल्टेज आता है, कभी हमारे छोटे इन्वर्टर्स में फ्यूज़ लगे होते हैं तो कोई अगर मान लो प्रॉब्लम आती है, सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज़ उड़ता है और हम उसे चेंज करते हैं। उसी तरह डीसीडीबी वर्क करता है।